सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज बी का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम कितने सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो CBSE हमें पास होने में हेल्प करता है। देखो गाइज, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है बट इसका भी आंसर है हमारे पास में। तो गाइज देखो, आपको मैं पहले बताना चाहूँगा कि CBSE हेल्प कैसे करता है। CBSE यूज़ करता है मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स, ये दोनों सबसे ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों को पास होने में। ये CBSE का एक क्रिटेरिया है जो ऑटोमेटिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा पास होने में मदद करते हैं। बट पास तब होगे जब मेहनत करोगे थोड़ी बहुत। अगर आप लोग चार चार सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो मेरे को लगता नहीं कि CBSE हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप पांच में से किसी एक सब्जेक्ट में लटक रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो उस कंडीशन में मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप पांच में से तीन सब्जेक्ट में पांच में से दो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, उस कंडीशन के अंदर फिर बोलना आसान नहीं होगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो मॉडरेशन और ग्रेस लगा के बहुत ज़्यादा केसेस में हेल्प हो जाती है टीचर की तरफ से और CBSE की तरफ से। बट अगर आप दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए फिर कहना मुश्किल है। अगर किस्मत अच्छी तो हो भी सकते हो और किस्मत ख़राब है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव था जिससे आपकी थोड़ी टेंशन कम हो सके। आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन तो कॉल कर लेना, बट कंडीशन वही है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे पास कॉल आएगा उतने में मोटिवेट होंगे और आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो अपने फिर मिले नेक्स्ट वीडियो, तब तक आसिंग पर रहो, सेफ रहो। मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।